आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि जिस जीवन में आप हैं उस जीवन में तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव आपके जीवन में हो रहे हैं और इसमें आपको शक्ति की आवश्यकता है। तो शक्ति की साधना कैसे करें, उसके लिए नवरात्रि के पर्वों का निर्माण हमारे आचार्यों के द्वारा किया गया। दो गुप्त नवरात्रियां हैं, दो प्रकट नवरात्रियां हैं, लेकिन वर्तमान समय में विक्रम संवत 2079 में आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि 26 सितंबर सन 2022 को पड़ रही है और इस दिन आश्विनी मास के नवरात्रि का अर्थात शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। प्रतिपदा की तिथि में प्रातःकाल कलश स्थापना होगा, ध्वजारोहण होगा, आपको माता रानी का या फिर हनुमान जी का या फिर सूर्य का एक ध्वज अपने घर पे ईशान कोण में लटका देना है, फहरा देना है। प्रतिपदा मत के अनुसार यदि वाहन का विचार करें तो इस साल जगत जननी माता दुर्गा का वाहन हाथी है। प्रतिपदा की तिथि में देवी के केशों को पवित्र करने के लिए चंदन, त्रिफला, आईना और कंघी को अर्पित करना चाहिए। 27 सितंबर सन 2022 द्वितीया की तिथि है, दिन है मंगलवार। माता के केशों के संस्कार के लिए रेशमी पट्ट प्रदान करें। 28 सितंबर सन 2022 को तृतीया की तिथि में माता के लिए दर्पण, सिर के लिए सिंदूर और पैरों के लिए महावर को अर्पित करें। 29 सितंबर सन 2022 दिन है गुरुवार और तिथि पड़ रही है चतुर्थी। इस दिन माता को मधुपर्क अर्पित करना चाहिए। मधुपर्क का अर्थ यह है शहद, घी और दही का मिश्रण अर्पण करना चाहिए। इसे तिलक लगाने के लिए अर्पित करते हैं और माता को आंखों में लगाने के लिए काजल भी अर्पित करना मत भूलिए। 20 सितंबर सन 2022 दिन है शुक्रवार, तिथि है पंचमी की। इस दिन माता रानी के श्रृंगार के लिए यथाशक्ति आपको आभूषणों को अर्पण करना चाहिए। आप चाहें तो माता को चूड़ी अर्पित कर सकते हैं, नाक के लिए, कान के लिए और यहाँ के लिए जो भी श्रृंगार परक वस्तुएं हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार माता को अवश्य अर्पित करिए, क्योंकि माता श्रृंगार को बहुत पसंद करती है। अभी मैंने जिन विधियों को बताया है उसके आधार पे माता दुर्गा की आराधना आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के व्रत का पारण कब करना है। तो मित्रों आप ये जान लीजिए 26 सितंबर को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, उस दिन हमारा प्रथम उपवास होगा और 3 अक्टूबर को नवरात्रि का अष्टमी का तिथि पड़ रहा है, वहाँ पे अष्टमी का व्रत हम धारण करेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ 4 अक्टूबर को नवमी की तिथि में दिन में 12 बजे से पहले अष्टमी के व्रत का पारण अवश्य कर लेना चाहिए। 3 अक्टूबर को अष्टमी के दिन माता की आराधना वस्त्र, छत्र और चामर के माध्यम से करना चाहिए और साथ ही जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको उनका पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, यथाशक्ति उनको दान देना चाहिए। और बोनस के रूप में एक बात और बता देते हैं, 3 अक्टूबर को ही दिन में जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी माता सरस्वती के उपासक हैं उनके लिए उसी दिन माता सरस्वती की आराधना करने का विशेष मुहूर्त बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया अष्टमी व्रत का पारण 4 अक्टूबर सन 2022 दिन मंगलवार को दोपहर में 12 बजे से पहले आपको कर लेना है। 4 अक्टूबर सन 2022 दिन है मंगलवार, इस दिन नवमी की तिथि पड़ रही है और इस महानवमी के व्रत को कई सारे हमारे साधक अवश्य धारण करते होंगे। जो 9 दिनों के नवरात्रि के व्रत को धारण करते हैं वह प्रतिपदा से लेकर के नवमी की तिथि तक लगातार माता के सानिध्य में रहते हुए इस व्रत का पालन करते हैं, तो उस दिन मंगलवार को महानवमी का व्रत धारण करेंगे और संपूर्ण हवन कार्य इस नवमी के तिथि में ही होंगे, संपन्न किए जाएंगे। महानवमी का व्रत करने वाले जो भी हमारे साधक हैं, जो भी उपासक हैं, वह 5 अक्टूबर सन 2022 को महानवमी के व्रत का पारण करेंगे। तो मित्रों इस वीडियो में मैंने आपसे नवरात्रि में किस तरह से माता की आराधना करना है कुछ विशेष बातों को आपको बताया है, कलश स्थापना का समय भी आपको बता दिया है। यदि आपको मेरे द्वारा बताए हुए इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। नवरात्रि से संबंधित कई सारे वीडियो डिटेल में मैंने बना रखा है, ऊपर आई बटन को चेक कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा, बहुत सारे काम के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अपनी पूरी टीम की तरफ से भी मैं आपसे विदा लेता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें, माता रानी कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, जय मां जगदम्बे।